अगर तुम सीयूईटी देने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल, आई एम अनन्या। इफ यू न्यू हियर, प्लीज सब्सक्राइब। ऑफ कोर्स एक और वीडियो आ गई है सीयूईटी पे। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट आई हैव गॉटन ऑन द वीडियो आई फिल्म्ड विद माय कॉलेज जूनियर्स, दैट इज द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। दैट वीडियो हेल्प अ लॉट ऑफ यू गाइस, सो मुझे काफी अच्छा लगा रिस्पॉन्स देख के। बट अब सीयूईटी इज फाइनली हियर। अगले कुछ ही दिनों में क्लास 12 स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है ऑफ सीयूईटी, द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आई बी सींग मोस्ट ऑफ यू गाइज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तुमने जो इतनी मेहनत करी है इस एग्जाम के लिए, दिन रात पढ़ाई करी है, अब उस सब का फल तुम्हें मिलने वाला है इन जस्ट अ फ्यू डेज। एंड आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड हैव अ लिटिल चैट विद यू गाइस। बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं आजकल कि हमारी सीयूईटी की तैयारी चल रही है, हमारे मार्क्स में इतने आ रहे हैं, बहुत टेंशन हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कैसे एग्जाम देंगे। एंड ट्रस्ट मी, आई नो एग्जाम्स के टाइम पे बहुत प्रेशर होता है, एंड ये तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है फॉर यू गाइज। बट आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू रिमेम्बर दैट ये एक एग्जाम तुम्हारे लाइफ को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता है। अगर तुम्हारा सीयूईटी का एग्जाम अच्छा नहीं भी हुआ है, प्लीज टेंशन मत लो, बहुत और कॉलेजेस हैं इंडिया में जिसमें तुम एडमिशन ले सकते हो। सो सीयूईटी इज नॉट इट और दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नॉट इट। अगर डीयू में नहीं हुआ तो प्लीज कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर सीयूईटी अच्छा नहीं गया तो प्लीज प्रेशर मत लेना। एंड तुम बस इस एक एग्जाम की वजह से टूट नहीं सकते हो, अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो एज यू नो और 10 दरवाजे खुल जाएंगे तुम्हारे लिए। एंड तुम्हारे ड्रीम्स को अचीव करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो सीयूईटी हो या कोई स्पेसिफिक कॉलेज। एंड ऑफ कोर्स अपने आप को प्रूव करने के और बहुत मौके आएंगे और बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी टू शो दैट यू आर द बेस्ट इन व्हाट यू डू। तुम्हारी मेहनत और डेडिकेशन ही तुम्हें लेके जाने वाली है अपने गोल की तरफ। एंड इनफैक्ट आई वॉज जस्ट वॉचिंग अ वीडियो लिटरली अ फ्यू मिनट्स बिफोर फिल्मिंग दिस, एंड उसमें वो वही समझा रहा था कि देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल एंड देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल। तो अब जो तुम्हारे कंट्रोल पे है तुम सिर्फ उस पे फोकस करो। अब एग्जाम इजी आएगा, टफ आएगा, क्या कट ऑफ क्राइटेरिया रहेगा वो तुम तो नहीं डिसाइड कर सकते हो, राइट? लेकिन तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो? अपनी मेहनत, तुमने कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करे, तुमने कितनी अच्छे से तैयारी करी है। बाकी सारी टेंशन छोड़ दो, सिर्फ अपनी पढ़ाई और प्रेपरेशन पे ध्यान दो। एंड याद रखना, सीयूईटी से डीयू में आने का सपना तुम्हारा ही है, एंड वो सपना सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो। तो पूरी मन लगा के तैयारी करो एंड यू विल बी गुड टू गो। एंड आई नो दैट अब एग्जाम 2-3 दिन में, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स आई वांट यू टू कीप इन माइंड, ताकि तुम्हारा माइंड भी काम रहे और तुम अच्छे से अपना एग्जाम दे के आ जाओ। सो नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। अब तुमने जितनी पढ़ाई करनी थी, तैयारी करनी थी, ऑलमोस्ट हो चुकी है वो। सो जस्ट बिलीव कि तुमने जो किया है सही किया है, तुम्हारा एग्जाम अच्छा ही जाएगा। इसको मैनिफेस्ट करो, डोंट लेट द नेगेटिव थॉट्स गेट टू यू। अगर तुमने पढ़ाई करी और तुम बिलीव करते हो कि तुम्हारे मन में सब कुछ है, तो एग्जाम के दिन वो आ जाएगा। आई नो एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, सब भूल गए हो, बट ट्रस्ट मी जब एग्जाम लिखोगे, क्वेश्चंस देखोगे, तो तुम्हें सब कुछ अच्छे से याद आ जाएगा। सेकंड टिप इज मैनेजिंग योर स्ट्रेस। अगेन आई नो एग्जाम के पहले बहुत टेंशन होती है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम पॉजिटिवली सोचें एंड हम ज्यादा ध्यान ना दें आउटकम पे। स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि हम आउटकम के बारे में सोचते हैं कि हाँ हमारे 800 out of 800 आएंगे या हमारे फुल मार्क्स आने वाले हैं या जो भी है, बट अगर तुम उसके बारे में सोचोगे ही नहीं, सिर्फ तुम अपने प्रेपरेशन के बारे में सोचोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। स्पेशली सीयूईटी में तो वह मल्टीपल सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने हैं, तो अगर एक सब्जेक्ट खराब हुआ है उससे दूसरे सब्जेक्ट को खराब मत होने देना। अगर इंग्लिश अच्छा नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे इकोनॉमिक्स, मैथ्स वो वाले पेपर अच्छे जाएंगे। सो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट तुम्हें ये कोशिश करनी पड़ेगी। थर्ड टिप इज यूजिंग स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। ऑब्वियसली एक दो दिन में अब तुम पूरा सिलेबस तो पढ़ नहीं सकते हो फिर से, या तुम नए टॉपिक्स भी शुरू नहीं कर सकते क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आएगा, याद ही नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं है। बट व्हाट यू कैन डू इज अच्छे से रिवीजन। अगर तुमने अपने खुद के कोई नोट्स बनाए हैं या ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल रहे होंगे रिवीजन के लिए, या सिर्फ तुम अपने बुक को गो थ्रू कर सकते हो फटाफट फॉर रिवाइजिंग, सो मेक श्योर दैट तुम टाइम पास नहीं कर रहे हो, पढ़ाई करते हो। रिवीजन करना है तो सही से करो, फिर से पूरी पढ़ाई करने का कोई सेंस नहीं बनता है अभी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर कि तुम ब्रेक्स भी ले रहे हो और रेस्ट भी कर रहे हो। आई नो ये एग्जाम
एग्जाम बस कुछ दिनों का ही है एंड यू विल गेट ओवर इट, बट ये नहीं कि तुम बर्नड आउट हो जाओ कि तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो आगे. सो मेक श्योर दैट यू आर स्टार्टिंग इनफ ऑफ कोर्स, लेकिन तुम बीच बीच में ब्रेक्स लेते हो, यू डू समथिंग दैट यू एंजॉय, लिसन टू म्यूजिक, गो आउट विद योर फ्रेंड्स. तो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है. ये नहीं कि तुम दिन के 18-18 घंटे पढ़े ही जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ये मत करना. आजकल IPL चल रहा है, अगर तुम क्रिकेट फैंस हो तो थोड़ी देर IPL देख लो, बट ऑफ कोर्स डोंट लेट दैट अफेक्ट योर स्टडीज. पढ़ाई भी करो, ब्रेक्स भी लो, तो सब कुछ आराम से हो जाएगा. एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू रिमेंबर दैट यू, यस यू वॉचिंग दिस वीडियो, आर द बेस्ट इन वॉट एवर यू डू. तुम्हें बहुत पोटेंशियल है बहुत कुछ करने की लाइफ में, और मुझे पता है तुम फोड़ के आने वाले हो अपने CUET में. क्लास 12 का रिजल्ट सुन के मुझे इतनी खुशी हुई थी क्योंकि तुम सबने इतना अच्छा किया था, एंड आई एम श्योर CUET तो और भी अच्छा होने वाला है. एंड अगेन एज आई ऑलवेज से, आई एम सो एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ यू इन SRCC और दिल्ली यूनिवर्सिटी. मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तो CUET का एग्जाम अच्छे से देख के आना. एंड ऑफकोर्स मुझे ये कहने की जरूरत भी नहीं है, बट आई एम विद यू गाइज हर कदम पे. जब तुम्हारा CUET खत्म होगा तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, जब कॉलेज शुरू होने वाला होगा तब भी आई विल बी देयर फॉर यू गाइज गाइडिंग यू कि क्या कैसे करना होता है कॉलेज में. सो आई एम श्योर यू आर एक्साइटेड फॉर योर कॉलेज लाइफ एज वेल. सो या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CUET एग्जाम. तुम्हारी जिंदगी की नई कहानी अब शुरू होती है विद दिस CUET, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू बींग विद यू गाइज इन दिस जर्नी. सो या इफ यू मेड इट टिल हियर, कमेंट दीज इमोजीज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई रियली होप दिस वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, एंड इफ इट वॉज देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय.